उद्यान मार्ग वल्लभ नगर में कल सुबह एक मकान से धुआं निकलने के बाद पड़ोसियों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। दमकल कर्मियों ने आग बुझाने के दौरान घर में महिला की जली हुई लाश देखी तो पुलिस को खबर की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच करते हुए 24 घंटे के अंदर हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया। महिला की हत्या अवैध संबंधों के चलते की गई थी। वल्लभ नगर कॉलोनी में लक्ष्मण दास पमनानी निवासी पटेल नगर का मकान है, जिसे लक्ष्मण दास ने जनवरी माह में दिलीप उर्फ दीपक वर्मा निवासी शंकरपुर पान विहार को किराए पर दिया था। दिलीप ने दीपा वर्मा 35 वर्ष को अपनी पत्नी बताया था और तभी से दोनों यहां रह रहे थे। पड़ोसियों का कहना था कि महिला की गतिविधि संदिग्ध थी, जबकि उसका कथित पति दिलीप भी सप्ताह में एक दो बार ही घर आता था। कल सुबह पड़ोसियों ने दिलीप के घर से धुआं निकलते देखा तो फायर ब्रिगेड को सूचना दी। दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और कमरे में देखा तो महिला की जली हुई लाश पड़ी थी। इस पर पुलिस को सूचना दी गई। माधवनगर थाने के प्रभारी इंचार्ज गगन बादल एफएसएल टीम सहित मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। साथ ही जली हुई महिला के शव को पीएम के लिए जिला चिकित्सालय पहुंचाया। प्रारंभिक तौर पर एफएसएल अधिकारी ने मामला हत्या का होने की आशंका जताई थी, जिसकी पोस्टमार्टम के बाद पुष्टि भी हो गई। डॉक्टर ने प्रारंभिक रिपोर्ट में स्पष्ट किया कि जलने से पूर्व महिला जिंदा थी और उसे चाकू मारकर पहले घायल किया गया था। पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज करने के साथ ही उसके कथित पति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। एसपी सचिन अतुलकर ने 24 घंटे के भीतर ही हत्या का खुलासा कर दिया। उज्जैन पुलिस द्वारा आज दो हत्या के घटनाक्रमों की जो है खुलासा किया गया है। जो एक मुख्य घटनाक्रम है, जिसको पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही खुलासा किया है, ये थाना माधवनगर क्षेत्र का है। इसमें महिला की जो डेड बॉडी है, महिला के घर में मिली थी और घर में आग भी लगी हुई थी। मौके पर पुलिस ने जाके, एफएसएल टीम ने जाके सूक्ष्मता से जांच करी, जिसमें ये पता चला कि ये महिला की हत्या हुई है। बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी ये क्लियर हुआ है। आग लगाने आरोपी ने जो आग लगाई थी घर पे, उससे प्रतीत होता है कि पूरी घटना को इस प्रकार से बताया जाए कि आग लगने से मृत्यु हुई है, लेकिन पुलिस द्वारा इस गुत्थी को सुलझाया गया। मुख्य कारण इसमें हत्या का जो है कि जो मृतिका है उसका एक मित्र जो पुरुष था वो घर पे मिलने के लिए पहुंचा, महिला द्वारा मना किया गया। फिर वो दोबारा जब घर पे पहुंचा तो उनके बीच विवाद हुआ और विवाद होने के बाद ये जो इसमें आरोपी है उसके द्वारा चाकू से महिला की हत्या की गई। बाद में जो घर में गैस सिलेंडर होता है उससे आग लगा के जो है वहाँ से वो भाग गया। पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर पूरा घटनाक्रम क्लियर हुआ और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया।